सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा कक्षा 7 की, उसका लेसन पढ़ रहे थे अपन। हास्य बाल कवि सम्मेलन अपना पूरा हो गया था चौथा पाठ, आज पांचवा पाठ पढ़ते हैं। पांचवा पाठ का नाम है पंडिता रमा भाई। इस पाठ में पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है। ये एक विदुषी महिला थी, संस्कृत साहित्य में संस्कृत में विदुषी महिला थी। इसने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया। इन्होंने इनके द्वारा इनका परिचय आज पढ़ते हैं। शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य, अग्रगण्य यानी आगे गिनी जाने वाली, आगे गिनी जाने वाली। शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमें ख्रिस्टाब्दे जन्म अलभत। शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम हैं। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई हैं। तस्मीन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। तस्मीन काले उस समय जो 1858 ईस्वी के आसपास के यानी 19वीं शताब्दी के आसपास का 19वीं शताब्दी के आसपास का जो समय था वह स्त्री शिक्षा की स्थिति में चिंतनीय था। उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और घर गृहस्थी का काम ही उनसे करवाया जाता था। तस्मिन काले उस काल में यानी उस समय में स्त्री शिक्षा या स्थिति स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी, दयनीय थी। स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण यानी संस्कृत भाषा में अध्ययन प्राय प्रचलितम प्रचलित नासीत नहीं थे। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत विषय में शिक्षण प्रचलित नहीं थे। परंतु डोंगरे कौन? डोंगरे अनंत शास्त्री डोंगरे, रूढ़िबद्धाम रूढ़ियों में बंधी हुई धारणाम धारा को परित्यज्य त्याग करके, रूढ़ियों में बंधी हुई धारणाओं का परित्याग करके स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्ययन करवाया। उस समय स्त्रियों की शिक्षा बहुत चिंतनीय थी, बहुत दयनीय थी, परंतु डोंगरे के द्वारा अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्ययन करवाया। एतर्द सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असयत। एतर्द इसलिए स उन्होंने समाज की प्रताड़ना यानी समाज ने जो उनको दुख दिया, दुखों को भी असह्यत सहन किया, उन दुखों को भी सहन किया। अनंतरम रमापी बाद में रमापी रमा ने भी स्वमातु अपने माताजी से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, संस्कृत शिक्षा की प्राप्ति की। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा की प्राप्ति की। कालक्रमेण रमाया पिता विपिन्नः संजातः।
समय के अनुसार ही रमाया पिता, रमा के पिता विपिन्नः संजातः, विपिन्नः संजातः, विपिन्न यानी होता है निर्धन। समय के साथ कालक्रमेण यानी काल के अनुसार यानी कालक्रम के अनुसार रमाया यानी रमाबाई के पिता, पिताजी विपिन्नः संजातः, विपिन्न यानी निर्धन, निर्धन हो गए। तस्या पित्रो ज्येष्ठा, तस्या उनके, किनके, रमा के पित्रो, पित्रो यहाँ पर माता च पिता च, यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा माता च पिता च, द्वंद्व समास है ये। पित्रो माता और पिता को संयुक्त रूप से पित्रो बोलते हैं एक शब्द में। तो तस्या उनके पित्रो माता पिता और च और ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठ बहिन यानी बड़ी बहिन, ज्येष्ठा यानी बड़ी, भगिनी यानी बहिन, और उनके बहिन दुर्भिक्ष पीड़िता दिंगवता, दुर्भिक्ष बोलते हैं अकाल को, अकाल से पीड़ित होकर के दिंगविद गता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा च, उसके बाद रमा स्वह ज्येष्ठ भ्रात्रा अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ सह साथ पदभ्याम यानी पैदल ही पैदल समग्रम भारतम, समग्र भारतम यानी पूरे भारत, पूरे भारत अभ्रमत भ्रमण किया। उनके माता पिता और बड़ी बहन की अकाल से मृत्यु हो गई है। उसके बाद रमाबाई अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे घूमने के काल में सा उनके द्वारा कोलकाता में प्राप्ता, कोलकाता प्राप्त हुआ। भ्रमण करते समय उन्हें कोलकाता प्राप्त हुआ यानी कोलकाता पहुंच गए। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषता। संस्कृत में विदुषी होने के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती उपाधि विभूषिता उपाधियां दी गई, विभूषित की गई उनके द्वारा पंडिता और सरस्वती, ये पंडिता रमाबाई के उपाधियां हैं, ये दोनों पंडिता और सरस्वती, तभी तो अपन बोलते हैं पंडिता रमाबाई। संस्कृत में विद्वान होने के कारण, विदुषी होने के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधियां प्रदान की गई। तत्रेव सा ब्रह्म समाजेन, तत्रेव वहीं पर सा उनके द्वारा ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से प्रभावितान प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया उनके द्वारा, वहीं पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात उसके बाद सा स्त्रीणाम उनके द्वारा स्त्री नाम कृते स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्राणाम वेद आदि तथा शास्त्र आदियों का शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ किया उनके द्वारा। वहीं पर स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद आदियों का तथा शास्त्र आदियों का शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रिस्टाब्दे 1800 ईस्वी के समय सा विपिन बिहारी दासेन, वह विपिन बिहारी दासेन सह के साथ विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत, बाकीपुर कोर्ट में विवाह अकरोत, विवाह कर लिया। सार्धक पक्षात सार्ध एक वर्षात, सार्ध बोलते हैं आधे,
एक आधे और एक, एक और आधा होता है डेढ़, ये डेढ़ होता है। तो डेढ़ वर्ष पश्चात अनंतरम तस्या पति दिग्वंतः, डेढ़ वर्ष के पश्चात उनके पति भी दिग्वतः यानी स्वर्गवास हो गया। तदंतरम सा पुत्र्या, तदंतरम उसके बाद सा पुत्र्या उनकी पुत्री के साथ, उनकी पुत्री मनोरमा सह, मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छतः, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर लौट आए। प्रत्यागच्छते यानी वापस आ गए। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च स्वास्विकेयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए च और शिक्षा के लिए सा उनके द्वारा स्वकीयम जीवनम अपना जीवन अर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उनके द्वारा अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से ये एक अपने शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज भारत में एक आयोग था जिसे हंटर शिक्षा आयोग बोलते हैं। उसके क्षेत्र में समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय में सा उनका स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षा अर्थम, उनके द्वारा उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई गतवती यानी गए। तत्र ईसाई धर्म स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावती जातः। ईसाई धर्म तो जो उनका धर्म था, इंग्लैंड वासियों का धर्म था, उस धर्म में स्त्री विषय के यानी स्त्रियों के विषय के बारे में उत्तम विचारे, उनके जो विचार थे प्रभाविता जात है, वो प्रभावित हुई। वहाँ पर जब वो उच्च शिक्षा के लिए पंडित रमाबाई इंग्लैंड देश में गई, तब वहाँ पर ईसाई धर्म में स्त्री विषयों के प्रति जो उत्तम विचार थे उनसे प्रभावित हुई। ये आपका आधा पाठ हो चुका है, इसके शब्दार्थ याद करने हैं और यहाँ तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। आगे की वीडियो में पूरा पाठ करवाएंगे। धन्यवाद।